किसी ने क्या खूब कहा है, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। मैं जयउत्रानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्रानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से कोरोना वायरस से रिलेटेड वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे होंगे, जो कि अब से पहले आपने कभी नहीं सुने। जैसे विदेश से आए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लोग खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रख रहे हैं, या WHO ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित कर दिया है, और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने 10 वर्ड्स लिए हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं और जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन वर्ड्स को क्लियर करेंगे, इनकी कोरोना वायरस से रिलेट करके मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग को जानेंगे। पहला वर्ड COVID-19, कोरोना वायरस का तकनीकी नाम SARS-CoV-2 है। SARS SARS-CoV-2। अगर इसके पूरे नाम की बात करें, कोरोना वायरस डिजीज 19। अब ये 19 क्यों लगा है, क्योंकि 2019 में ये वायरस आया, इसीलिए इसके आगे 19 लगाया गया है। और अब आप इसी को अगर ब्रेक करके देखो, कोरोना वायरस डिजीज है ना, कोरोना का CO आप ले लो, वायरस का भी आई ले लो और डिजीज का डी ले लो, तो इसको मिला करके बना है कोविड, COVID-19, क्योंकि ये 2019 में आया, तो उसी को कहा जा रहा है COVID-19। सेकेंड वर्ड इपिडेमिक और थर्ड वर्ड पैंडेमिक। ठीक है, इपिडेमिक, अगर कोई संक्रमण या कोई बीमारी एक दो देशों में रहती है या तीन देशों में, किसी फिक्स एरिया या फिक्स कंट्री तक रहती है, उससे वो आगे नहीं बढ़ती है, तो उसी को कहते हैं एपिडेमिक, या उसी संक्रमण या उसी बीमारी को। अगर वही बीमारी उस एक दो देश से निकल करके बाकी के क्षेत्रों या बाकी के और देशों में इफेक्ट करती है, अपना संक्रमण दिखाती है, फैलती है ना, इस पैंडेमिक की हिंदी मीनिंग होती है महामारी, है ना। तो जब ये बीमारी कई सारे कंट्रीज में, या आप कह लो वर्ल्ड के कई सारे देशों में, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसको पैंडेमिक कहते हैं। अभी एक न्यूज आई थी एक दो सप्ताह पहले, आपने सुनी होगी कि WHO ने कोरोना वायरस को 11 मार्च को शायद, है ना, पैंडेमिक घोषित कर दिया है, मतलब उसको एक महामारी के रूप में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, कई सारे कंट्रीज कई सारे देशों में ये फैल चुका है, तो इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया है, मतलब महामारी घोषित कर दी गई है। फोर्थ वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आया है, सोशल डिस्टेंसिंग। इतनी अंग्रेजी तो हम लोग को आती है, सोशल मतलब सामाजिक, सिंपल सी वर्ड है, डिस्टेंसिंग डिस्टेंस बना के रखना। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, तो सबसे बेहतर जो उपाय है वो कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि आप पर्सन किसी अनोदर पर्सन से फिजिकली डिस्टेंस बना के रहें। फिजिकली डिस्टेंस मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो 1-2 फीट की दूरी पर, है ना, खड़े होकर के किसी से हाथ मत मिलाइए, किसी के गले मत मिलिए, है ना, थोड़ा डिस्टेंस बना करके, है ना, अपने घर के अंदर रहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि इतने सालों में, आज तक हम लोगों ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा है कि पूरी रेल यात्रा को रोक दिया गया, है ना, जितनी बसें आनी जानी थी सब रोक दी गई, मतलब जहाँ भी भीड़ भाड़ हो रहा है, कई बार सारे मॉल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए जा रहे हैं, मतलब जहाँ भी भीड़ एकत्र होने की, या भीड़ होने की, जहाँ भी 20 या 50 तो बहुत ज़्यादा झुंड बनता था लोगों का, बहुत भीड़ लगती थी जहाँ मार्केट में, वो सब मार्केट ऑफ कर दी जा रही है ना। तो जहाँ भी भीड़ हो रही है, ठीक है, उसको कम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे कहीं पे किसी जगह पे भीड़ मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी किसी दूसरे को है तो टच करके, या आप जानते हो कि खांसने या छींकने से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो अगर
उससे आपके बॉडी में उस वायरस के एंटर करने की जो चांसेज है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना लेते हो तो वो चांसेस थोड़ी कम हो जाती हैं। फिफ्थ, इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन आप जानते हैं कि अगर हम लोग को कोई बीमारी होती है या किसी रोग से संक्रमित हम होते हैं, कोई संक्रमण होता है, तो उसकी जो जानकारी है या उस जो वो जब तक नॉलेज में आता है तब तक उसके हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड होता है जब वो समझ में आता है कि नहीं, हमको ये वायरस इफेक्ट किया है या हमको ये संक्रमण है। कोरोना वायरस के साथ क्या हो रहा है कि ये संक्रमण आपको 2 से 14 दिन, मतलब 2 डेज टू 14 डेज लग जा रहे हैं इसके पता करने में। मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन में, 1-2 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यही संक्रमण पता चलने या किसी बीमारी को पता करने का ये जो टाइम पीरियड होता है, जितना उसमें टाइम लगता है, इसी टाइम पीरियड को कहते हैं इनक्यूबेशन। सिक्स, सेल्फ आइसोलेशन। सेल्फ आइसोलेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका माना जा रहा है खुद को इस बीमारी या इस संक्रमण से बचाने का। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी बीमारी से बचने के लिए किसी दूसरे लोगों से या समाज से अपने आप को अलग थलग कर लेना, अपने आप को थोड़ा काट लेना, अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर एरिया या जगह में रखना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप खुद को सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हो, आप घर में रह रहे हो, घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो बहुत कम चांसेज हो जाते हैं कि ये बीमारी आप तक पहुँचे या संक्रमण ये आप तक पहुँचे, क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है। आप उन लोगों से दूर हो, है ना, या उन लोगों के प्लेस पे आप नहीं गए जहाँ ये संक्रमण या जहाँ ये बीमारी फैली हुई है। सेवेंथ, सेल्फ क्वारंटीन। मतलब आपने सुना होगा ना कि विदेश से आने वाले लोगों को सेल्फ क्वारंटीन किया जा रहा है। सेल्फ क्वारंटीन करने का मतलब कि उनको, क्योंकि वो विदेश से आए हैं, है ना, तो यहाँ किसी संक्रमण वाले क्षेत्र या किसी एरिया से आए हैं तो उनको सेल्फ क्वारंटीन किया जा रहा है। मतलब उनको बाकी लोगों से अलग करके उनकी जांच की जा रही है कि क्या उनके में भी ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं या ये वायरस उन पे भी इफेक्ट किया है कि नहीं, उनको अलग करके उनकी जांच करना। जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 14 दिन का टाइम लगता है, तो उस उतने दिन उनको बाकी लोगों से दूर रख के उनकी जांच करना, उसी को कहते हैं क्वारंटाइन, है ना, या सेल्फ क्वारंटाइन, या खुद कोई इंसान जा करके अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर दे, कहे कि नहीं मेरी जांच करिए मैं बाहर से आया हूँ, तो उसको कहेंगे सेल्फ क्वारंटाइन। एट, फ्लैटनिंग द कर्व। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी, फ्लैटनिंग द कर्व, जो भी इसके ग्रोथ का, कोरोना वायरस के ग्रोथ का जो भी कर्व बन रहा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। वो कर्व की अगर बात करें तो ये कर्व इसका कुछ इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं है, ये कितना ऊपर जाएगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, इसकी अपर बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये जितना ऊपर जाएगा, मतलब अभी हम कहा जा रहा है फेज टू पे हैं। फेज टू का मतलब जो बाहर से लोग आए हैं संक्रमित, है ना, किसी एरिया से या विदेश से जहाँ पे ये ज़्यादा फैला है, वहाँ से जो लोग आए हैं उनको हो सकता है ये बीमारी हो, उनसे दूसरे लोग संक्रमित होंगे, है ना, तो इसीलिए उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो जितना ये नंबर ऑफ कोरोना वायरस के बढ़ेंगे उतना ये कर्व एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा 19 मार्च तक, है ना, जो इंडिया में केसेस थे, है ना, वो 180 प्लस थे। 23 मार्च तक का डाटा है 400 प्लस हो गए हैं, 415 मैंने न्यूज़ में देखा था, उससे भी कई ज़्यादा हो गए हैं। रात को 10 बजे अपडेट होता है वो पूरे दिन का मतलब निकाल करके, तो करीब 480 तक पहुंच गए हैं अब, है ना, तो बहुत तेजी से ये ग्रोथ हो रहा है। इसको रोकने का केवल ये कहा जा रहा है कि फ्लैटनिंग द कर्व, इस कर्व, ये जो कर्व एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है इसको हमें फ्लैट करना है, इसको चिपटा करना है, इसको
इस टाइप का बनाना है, जितना ही ये चिपटा होता जाएगा कर्व, ये वाला जो कर्व आप देख रहे हो है ना, जितना ही ये कर्व चिपटा होता जाएगा, जितना ही दबता जाएगा, उतना ही संक्रमण इसका जो फैल रहा है वो कम होता जाएगा। और इसको चिपटा करने का सबसे बढ़िया उपाय सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर। ये तो नॉर्मल वर्ड है, ये हमने आज से पहले भी सुना था, हो सकता है हमने कभी ध्यान न दिया हो। सैनिटाइजर लिक्विड या जेल फॉर्म में आता है, ये हमारे हाथों को या हमारी किसी चीज़ को, ठीक है, कीटाणुओं से बचाने के लिए होता है। 10 लॉकडाउन। लॉकडाउन सिंपल सा आप ऐसे समझो कि कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी इंसान को किसी बिल्डिंग या किसी एक एरिया से बाहर निकलने की पूरी छूट आज़ादी नहीं होती है अपने मन मुताबिक। मतलब आप ये समझो कि आप अपने मन मुताबिक किसी एरिया पे नहीं जा सकते, फ्रीली घूम नहीं सकते, आप बाहर जाके अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते। कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको बाहर जाना जरूरी ही है, बिना बाहर गए आपका वो काम बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, कोई इमरजेंसी आती है, तब उस केस में आप बाहर जा सकते हो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो आपको बाहर जाने की अपने मन मुताबिक परमिशन नहीं होती है। लॉकडाउन की सीधी सीधी मीनिंग यही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।